बाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर वरधामना में एक समाज सेवक ने शुक्रवार को एक गरीब परिवार की बेटी की शादी कराई। शादी बिना दहेज की हुई। शादी में शामिल दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिसमें लड़की पक्ष की तरफ से शादी की सभी रस्मों को एसटीसी पार्सल कंपनी के मालिक संदीप यादव द्वारा निभाया गया। 600 का प्रणाली की शादी 8वां मेल दवला मीटी निवासी नरेश शिवशंकर के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। गौरतलब है कि बिना दहेज वाले इस शादी में एसटीसी कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ ही साथ आसपास के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और वरवधु को आशीर्वाद दिया। वरधामना निवासी प्रेमिला निनावे एसटीसी पार्सल कंपनी में झाड़ू पोछे का काम करती थी। पति स्वर्गीय मोहन निनावे की कोरोना में मृत्यु हुई। प्रेमिला अकेली पड़ी बेटी की शादी की चिंता में हमेशा रहती थी। काम पर भी मन नहीं लग रहा था। पैसे नहीं थे तो शादी कैसे होगी, यही सवाल प्रमिला के सामने खड़ा हुआ। एक दिन एसटीसी पार्सल कंपनी के मालिक संदीप यादव को प्रमिला ने डर डर कर अपनी बात कही। साहब, बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं है, लेकिन शादी कैसे होगी। बस यही बातें सुनकर कंपनी के मालिक संदीप यादव सुन्न हुए और उन्होंने ठान लिया कि यह महान कार्य करने का है। प्रमिला को बता दिया कि शादी का खर्चा हम पूरा उठाएंगे, लेकिन काम वाली बाई को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि शादी को लाखों का खर्चा लगने वाला था। जब शादी का मुहूर्त निकाला तब समाज सेवक संदीप यादव ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया। दिनांक 6 अप्रैल 2022 को प्रेमिला निनावे के घर झोपड़े के सामने शादी का मंडप डाला गया। दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज सजाया गया। हिंदू रीति रिवाज से शादी समारोह संपन्न हुआ। शादी में प्रेजेंट भी लिया गया। खाने की सुंदर व्यवस्था की गई। गर्मी का समय होने से सभी बारातियों को एक्वा का पानी पिलाया गया। लाखों रुपए खर्च कर संदीप यादव ने मेहमानों की पूरी सरभराई की। दूल्हा दुल्हन ने सभी बारातियों को एसटीसी पार्सल कंपनी के मालिक संदीप यादव व उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। एक गरीब की लड़की की शादी में लाखों रुपए खर्च कर एक समाज सेवा करने वाला संदीप यादव का आदर्श औरों को भी लेने की आवश्यकता है। गौरतलब रहे कि हमारे कार्यालय में झाड़ू पोछा करने वाली बाई प्रेमिला के लड़की की शादी का खर्चा हमने स्वयं उठाया, जिसका कोई नहीं उसके हैं हम भाई। मुझे किसी को मदद करने पर सुकून मिलता है। मैंने ये काम करके कोई उपकार नहीं बल्कि अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी मैं ऐसी मदद करते रहूंगा, ऐसी बात संदीप यादव ने कही। देखिए सर, कोरोना काल में जो लड़की है इनके पिताजी का डेथ हो गया था। अभी इनकी माँ विधवा है और थोड़ा गरीबी पोजीशन था। शादी पड़ी थी, हमें इनकी तकलीफें महसूस हो रही थी और काफ़ी परेशान दिख रही थी, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि इनकी तकलीफें दूर किया जाए। इसलिए हमने इनके शादी में भरपूर कोशिश किया, इनको सहयोग करने की कोशिश किया, हमने इंसानियत का फर्ज निभाया। लगभग लाख के ऊपर आएगा खर्चा, अभी इस्टीमेट पता नहीं, लोग अभी पेमेंट सबके करने हैं। जैसे कि जब कर्मचारी यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा सहयोग नहीं करेंगे। बिना कर्मचारी के कोई भी कंपनी नहीं चल पाती है, वही तो हमारे हाथ पैर रहते हैं। हम कहीं भी घूमते रहते हैं, जैसे माल कहीं से भी बुक हुआ, कहीं भी डिलीवरी हो रहा, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं रहता, पूरा काम वही करते। यदि हम उनका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर वो हम कंपनी डूबते टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मला सहभागी संदीप यादवनी गेलेला आहे, पूर्ण स्टॉपनीच केला माझ्यावाले आणि मी खूप आभारी आहे। तुमच्या कंपनीने तुम्हाला मदत केली, खूप मदत केली, मी त्यांची आभारी आहे। आईनी केला, आईला सपोर्टिंग केली संदीप यादव सरांनी।